अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इस पवित्र जगह से मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से, सर्द रातों के अंदर बुजुर्ग महिलाएं बच्चे बैठे हुए हैं, 42 जाने जा चुकी हैं, केंद्र सरकार को अहंकार नहीं रखना चाहिए, अहंकार को त्याग के किसानों की बात मान के इनको घर भेजना चाहिए और ये तीनों बिल वापस लेने चाहिए। सर, केंद्रीय रक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो किसानों का जमीन छीने या एमएसपी के साथ छेड़छाड़। ये केजरीवाल जी ने भी कहा था, मगर इन तीनों कानों का सिवाय नुकसान का कोई फायदा नहीं है ना, सिवाय जमीन तो किसान की है ही, जमीन को कैसे छीनेंगे, परंतु उसकी फसल की एमएसपी की गारंटी इन्होंने खत्म कर दी, जो मंडियों के बाहर बिकेंगे उसका कोर्ट में जाने का रास्ता बंद कर दिया और अनलिमिटेड भंडारण करके प्राइवेट लोगों का उस पर कब्जा करा दिया फसल पे। सर, जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री है उन्होंने कहा बातचीत से ही हल निकलेगा, कितनी बातचीत करेंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं लगातार, एक महीने से ऊपर हो गया आज। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।